गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कौंडल व्यूज यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी आज के इस न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ONGC की तरफ से निकाली गई जॉब अपडेट के बारे में। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है ग्रेजुएट ट्रेनी की पोस्ट के लिए। काफी अच्छी आपके लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि आपके गेट के थ्रू रहने वाली हैं। सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट जॉब अपडेट की वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ में आज की इस अपडेट को करते हैं शुरू। बात करें यहाँ पे इनके ऑफिशियल नोटिस की, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड बात करें यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में, ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन में निकाली गई है। E1 लेवल की रहेगी, जो कि गेट 2021 के बेसिस पे रहने वाली है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो यहाँ पे पोस्ट रहेंगी आपकी यहाँ पे सीमेंटिंग मैकेनिकल में रहेंगी। ग्रेजुएट यहाँ पे आप होने चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट का सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होना चाहिए। 6 यहाँ पे पोस्ट रहेंगी। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट रहेगी सीमेंटिंग आपकी पेट्रोलियम में, यहाँ पे आपकी डिग्री होनी चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। उसके अलावा गेट सब्जेक्ट आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होना चाहिए। 1 यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे पोस्ट रहेगी AE सिविल की, जिसमें ग्रेजुएट सिविल आप यहाँ पे होने चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे कोड होना चाहिए आपका गेट में। 18 यहाँ पे पोस्ट रखी गई हैं। उसके अलावा ड्रिलिंग मैकेनिकल में ग्रेजुएट इंजीनियर आप यहाँ पे होने चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे कोड रहना चाहिए, जो कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे होगा गेट में। 28 यहाँ पे पोस्ट रखी गई हैं। इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। उसके अलावा सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए कॉम्पिटेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। 40 यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट रहेगी। यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो इसके पहले भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि आपकी ONGC की तरफ से निकाली गई हैं, जो कि आपके गेट 2020 के बेसिस पे निकाली गई थी। वहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो थी वो आपकी 313 वैकेंसीज थी। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपकी 309 निकाली गई हैं, जो कि आपकी गेट 2021 के बेसिस पे निकाली गई हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 3/2021 है। एंड उसका जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो आपका 2/2021 था। तो ये आप ध्यान में रखें, एक ही यहाँ पे वैकेंसी नहीं रहने वाली है, ये अलग से वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि आपके गेट 2021 के बेसिस पे निकाली गई हैं। तो इसको आप ध्यान में रखें। तो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मांगी गई है। 5 यहाँ पे पोस्ट रहेंगी। नेक्स्ट आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन में रहेंगी, ग्रेजुएट डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन में होनी चाहिए। 32 यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। मैकेनिकल के लिए आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। 33 पोस्ट रखी गई है। प्रोडक्शन मैकेनिकल में यहाँ पे आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री होनी चाहिए। 15 पोस्ट रखी गई हैं। प्रोडक्शन केमिकल की बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग से आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। 16 पोस्ट रहेंगी। प्रोडक्शन पेट्रोलियम में यहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए सब्जेक्ट आपका गेट का। एंड ग्रेजुएट डिग्री आपकी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में या तो आपकी अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। 12 पोस्ट रहेंगी। इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री आपकी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। उसके अलावा 5 पोस्ट रहेंगी यहाँ पे। उसके अलावा आपकी रिजर्वर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए जियोफिजिक्स में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। 9 पोस्ट रहेंगी, या तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट जियोलॉजी में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए केमिस्ट्री में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। 14 पोस्ट रहेंगी। जियोलॉजिस्ट के लिए 19 पोस्ट रहेंगी। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी यहाँ पे होनी चाहिए जियोलॉजी में। बाकी MSc MTech अगर आपने कर रखी है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। जियोफिजिस्ट के लिए सरफेस में पोस्ट रहेगी 24, यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी जियोफिजिक्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जियोफिजिस्ट के लिए रहेगी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी जियोफिजिक्स में यहाँ पे होनी चाहिए। 11 पोस्ट रहेंगी। उसके अलावा मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर की रहेगी 13 पोस्ट। यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए। एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से आपने कर रखी है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं।
ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट डिग्री आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या तो ऑटो इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। टोटल यहाँ पे 309 पोस्ट रहेंगी, 145 पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व से रहेंगी, बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज को देख सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आपका यहाँ पर एज लिमिट रहेगा, यहाँ पे जो आपका एज लिमिट रहने वाला है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30 रहेगा, बाकी एई एंड ड्रिलिंग सीमेंटिंग पोस्ट के लिए 28 रहेगा, बाकी ओबीसी के लिए 33, यहाँ पे 31 दिए गए हैं, एंड एससी एसटी के लिए 35, यहाँ पे 33 दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहेंगी, 11/10/2021 से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, स्टार्टिंग डेट आपकी 11/10/2021 रहेगी, लास्ट डेट यहाँ पे 1/11/2021 रहेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका पैरामीटर का वेटेज ऑफ गेट 2021 के स्कोर को आपको 60% स्कोर आपका यहाँ पे 60% मार्क्स दिए गए हैं स्कोर के लिए 2021 के स्कोर के लिए। क्वालिफिकेशन के लिए आपको 25 यहाँ पे जो है वो आपको वेटेज दी गई है 25% की, 20 मार्क्स आपके रहेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के, 5 मार्क्स आपके रहेंगे जो भी आपके पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का रहेगा, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी। बाकी बात करें फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 रुपीज़ रहेगी, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं रहेंगे। जो एप्लीकेशन फीस का प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन मोड से आप कर सकते हैं, सारा आपको पैरामीटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी मेडिकल कंडीशंस आपको यहाँ पे दी गई हैं, जो भी आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली थी वो मैंने सारी आपको डिस्कस कर दी हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सेम जो वो आपकी वैकेंसी रहने वाली थी जो कि ONGC ने पहले भी निकाली थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021, तो अभी जो वैकेंसी निकाली गई हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021 के बेसिस पे निकाली गई हैं। जो पहले वाली निकाली गई थी वो आपकी 2/2020 पे निकाली गई थी, तो ये आप ध्यान में रखें, ये सारी वैकेंसीज आपकी यहाँ पे सेम रहने वाली हैं, सिर्फ 4 पोस्ट का यहाँ पे फर्क है, बाकी वैकेंसीज यहाँ पे सारी सेम रहेंगी। उसके अलावा उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए जॉब के रिगार्डिंग में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।